पास बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। पिछली बार हम 141st पेज पर रुके थे और कहानी को आगे चलाते हुए दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्टी, दिनचर्या और ईश्वरीय कचहरी, इस प्रकार अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञवत्स कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे।
अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों, विचारों तथा अलग अलग आयु वाले और आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना ये कोई कम बात नहीं है। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, परंतु परमपिता शिव, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा था, उसी की ये कमाल थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेकानेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, हेल मछलियां, समुद्री चट्टाने आदि आदि आती है, वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने भी आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं भी आई, परंतु परमपिता परमात्मा सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शना, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पार करते रहे। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, बाबा और मम्मा के आदर्श जीवन से सभी को अजेय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ, जिन यज्ञवत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वत्स ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं, माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सतयुगी पावन दैवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश किया कि वे सभी यज्ञवत्सों को वैसी ही वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाए। इस प्रकार यज्ञवत्सों के ज्ञान का भी विकास होता, उनका मनोरंजन भी होता रहता, उनके निश्चय की नाव भी अधिकाधिक पक्की होती रहती तथा यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती है कि अब हम ऐसी पावन और सुखमय सृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञवत्सों के कर्मों का भी ध्यान अवस्था में साक्षात्कार कराते थे, जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कोई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे, बल्कि छिपाते थे। वे समझते थे हमें तो कोई नहीं देख रहा है, अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई जानता नहीं है। जब वे संदेश पुत्रियों उनके भेदों को बताती थी तो वे दंग रह जाते थे और भविष्य के लिए इस विचार से सावधान हो जाते थे कि शिव बाबा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रिया ध्यान अवस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार करती थी, अतः उन साक्षात्कारों का भी वे यहाँ वर्णन करती थी अथवा ये अभिनय करके दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवत्स
बुरे कर्मों से बचकर रहते थे ताकि वो ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अनन्य दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे और उनमें उनसे उन्हें बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हुए ये भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती ही जो कि सर्वस्व त्याग अथक लोक सेवा दिव्य गुणों की पराकाष्ठा निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फल स्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी का निम्नलिखित अलौकिक अनुभव पढ़ने योग्य है। दिव्य दृष्टि के दादी गुलजार के अनुभव। एक दिन की बात है कि पिताश्री बाबा ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने, मन के व्यर्थ संकल्पों और बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करने के लिए एक सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यों तो हम लगभग 300 यज्ञवत्स इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हरेक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी वत्स चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते थे। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु प्रीता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की सुदबुद्ध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन और उनकी आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वह अव्यक्त और आकर्षक मूर्ति मेरी ओर देख रही थी। बस इतना ही देखने के बाद मैं तो ध्यान अवस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाशमय अव्यक्त रूप को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि जब तक बहनों अथवा भाइयों को साक्षात्कार होते आए थे वह अनेक देवी देवताओं जैसे कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण श्री सीता श्री राम आदि के होते थे। आज ये अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का रहस्य क्या है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल न कर सकी। अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने ये प्रश्न रखा। मातेश्वरी ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री को अपना यह अनुभव बताना। जब मैं पिताश्री को यह अनुभव सुनाया तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे हैं कि ये क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा,
बच्ची, शिव बाबा को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने ये साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यान अवस्था में बताएंगे, या वह मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट कर देंगे। अगर आप फिर ध्यान अवस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो, तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। अस्तु, वह दिन बीत गया। दूसरे दिन पर संध्या समय जब मैं आत्म स्थिति का अभ्यास कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यान अवस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वह अव्यक्त रीति से बोले, बच्ची, मैं उस ही साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूं। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा, और वह अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी को देखा, ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुगी सृष्टि के होने का होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया, और उसके बाद जो सतयुगी देवी सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहां की बोली, भाषा, दिनचर्या, वहां के राज दरबार, वहां के महल सब साक्षात्कार करवाया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी, जिसमें हरेक यज्ञ वत्स को अब मरजीवा जन्म के बाद नया नाम दिया, योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए और उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी, बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे वहां ज्ञान मुरली कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और बस दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की और बुद्धि न लगाकर सिर्फ योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी, और इसे भट्टी कहा जाता है। तो आप लोगों को जब ये भट्टी भट्टी कहते हैं कि अभी हम भट्टी रखेंगे, तो जैसे कि 18 जनवरी को हम लोगों ने सारे दिन की भट्टी का प्रोग्राम बाबा के घर में रखा है, राइट? तो हम लोग सभी जो है 18 जनवरी को बाबा के अव्यक्त दिवस के प्रति सारे दिन का अभ्यास करेंगे, योग अभ्यास करेंगे। तो बाबा जो इस तरह से स्पेशल प्रोग्राम देकर जो योग का आयोजन किया जाता है, उसे भट्टी कहा जाता है। तो इस पुस्तक में जो है उसका अर्थ स्पष्ट किया है। तो आप भी हमारे साथ भट्टी में जुड़ सकते हैं संडे 18th को। तो आगे चलते हैं। इसे भट्टी भी कहा जाता है क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में
मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पक्का कर किया जाता है, अथवा जिसे सुनार भट्टी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, अथवा जैसे लोहार भट्टी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कूट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निजात्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। तो ये बहुत ही सुंदर परिकल्पना है कि किस तरह से हम भट्टी में बैठे और किस तरह से हम अपने आप को तपाएं और किस तरह से हमारे अंदर की खाद को एक बाफ की तरह, एक वाफ की तरह जैसे कि हमारे से निकल रही है और बाबा हमें पवित्र बना रहा है। बहुत सुंदर परिकल्पना बताई है। वे भी परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास करती थी, अथवा वे स्वयं को प्रभु की लग्न रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन का अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाश युक्त एवं अव्यक्त महसूस करती थी। इसे ही अव्यक्त स्थिति अर्थवा विदेही स्थिति का अनुभव कहा जाता है। तो विदेही स्थिति माना देह भान से न्यारा, हल्का, फरिश्ते के समान, हर्षित, पवित्र, प्रकाशमय मेरा स्वरूप। तो उसका अभ्यास हम अंत में करेंगे। योग की ड्रिल। परमपिता शिव के द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञवत्सों को भी योगाभ्यास कराती थी। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर, लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। फिर वो वत्स स्व स्व स्थानों पर जाकर भी उनका अभ्यास करते रहते थे। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे, अथवा कई बार वे स्वयं भी पधारकर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था में उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञवत्सों की अवस्था में काफी उन्नति हुई, उन्हें योग की टेव पड़ गई और उन्हें आनंद भी बहुत हुआ। यज्ञवत्सों की दिनचर्या। इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहे। उन दिनों दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती थी। प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठकर बैठ खड़े होते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनमें उनके मन में स्मरण हो जाता था। वह दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निंद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब इस समय यह निंद्रा भी छोड़नी है, अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे भी सभी आत्मचिंतन और परमपिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती थी। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते थे तथा ज्ञान मुरली सुनते थे।
तो अगर आप देखेंगे जो रोज सुबह 4 बजे अमृत वेले के प्रोग्राम जो मिला है सेंटर से उसका फॉलो करते हैं, तो एग्जैक्टली आप वही फॉलो कर रहे हैं जो ब्रह्मा बाबा ने वो प्रोग्राम फिक्स किया था, राइट? तो हम बाबा ने बनाए हुए दिनचर्या के ऊपर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, सॉरी, तो पुस्तक में लिखा है, तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। हमारी मुरली का कार्यक्रम भी 5:30 से 7:30, 2 घंटे का होता है। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। फिर हम भी नाश्ता करने के बाद अपने कार्य व्यवहार अर्थात लौकिक सेवा में जुट जाते हैं। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे, यज्ञ की मोटरों साइकिलों आदि की सफाई करते थे, मरम्मत आदि भी यज्ञ वत्स ही करते थे, अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि बहुत बहुत कार्य होते थे। दिन प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवत्स साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते थे। यज्ञ के प्रायः सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति से योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा भी होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास में चुपचाप बैठ जाते थे और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतगुणी निंद्रा में विश्रामी होते थे। तो आज भी यही दिनचर्या जो है वो मधुबन में फॉलो की जाती है। एग्जैक्टली अगर आप मधुबन में जाते हैं तो यही दिनचर्या होती है। ईश्वरीय कचहरी, कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख यह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प करते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते हुए देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण की भावना से उसे उसकी भूल बताया करते थे। यज्ञ माता और यज्ञ पिता उन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान होने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए हो तो वह भी इस सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता यज्ञ पिता से मांगता था, है ना? तो ये एक सोचने जैसी बात है कि अगर आपको मांगना भी है तो सभी के सामने मांगना है। ऐसा नहीं कि मैं बाबा को अकेले में जाके मांगू या मम्मा को अकेले में जाके मांगू, नहीं, है ना? तो कचहरी में अगर अपनी भूल कबूल करनी है तो सबके सामने करनी है, कुछ मांगना है तो सबके सामने मांगना है। तो ये एक बात जो हमें सिखाती है वो है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमें कोई बात कहने में या कुछ मांगने में न लज्जा आती है, ना हमें कोई कमी महसूस होती है, तभी होती है
जब हमारे में स्वमान बहुत ऊंचा हो। तो बाबा ने बच्चों के स्वमान को ऊंचा बनाने के लिए ये जो रीति रस्म जो है थी वो बनाई हुई थी। इट्स नॉट अबाउट कि आपको मिस्टेक करके गिल्टी फील कराना, इट्स अबाउट अपने अंदर वो शक्ति लाना कि वो मैं ट्रांसपेरेंट जो हूं तो मुझे छुपाना क्या है। और उससे ही आत्मा की शुद्धि होती है कि इफ आई कैन से व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई कैन आस्क व्हाट आई नीड इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, इट मीन्स उसके लिए बहुत बड़ा स्वमान चाहिए। तो ये स्वमान की प्रैक्टिस जो है ये कचहरी में बाबा ने करवाई। तो यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था, वे उन्हें स्नेह पूर्वक सुविधाएं देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन के संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तब एक गीत मुखरित हो सकता, संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सतयुग सृष्टि तूने रचाई, देवी देवियों से है ये सजाई, भारत देश में आए शिव है, जीवन बदल बदलते विश्व है। यज्ञ वत्सों के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणाप्रद आदर्शमय जीवन। बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते तथा सभी में बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख, स्फूर्ति पूर्वक तथा अथक देखकर सभी के अंदर एक उमंग, एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। बाबा सखा के रूप में मन का हाल लेकर साथ में खेल कूद कर स्वयं को भी यज्ञ वत्सों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते थे। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे, परंतु वे वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता तथा स्फूर्ति भी होती थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हरेक यज्ञ सेवा में अपना हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र भाव, सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करे, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वे लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे, स्थूल कर्मों में भी तत्पर होते हुए बुद्धि ज्ञाननिष्ठ, ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मा निश्चय में कैसे टिकी रही, इसका भी क्रियाकम प्राष्ट पाठ पढ़ाते थे। बाबा कराची में सभी से कोई ना कोई स्थूल कार्य भी कराते थे, ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान न रहे और उन्हें यज्ञ सेवा की टेव पड़े। इस चित्र में बाबा ने बाबा का एक पुराना चित्र है, इसके अंदर सभी बहने को बिठाया है जो कि यज्ञ की बसों और मोटर गाड़ियों की मरम्मत और सफाई का कार्य किया करती थी। उन्होंने कार्य के समय अपना वेश पहन रखा है। बाबा उन्हें कहते थे कि यह शरीर भी तो एक मोटर है और आत्मा उसका ड्राइवर है। सभी को प्रारंभ से ही अपने बर्तन मांजने तथा कपड़े धोने का भी नियम सिखाया गया था। तो जब हम पहले मधुबन में जाते थे तो हमें अपने बर्तन, अपनी थाली खुद साफ करनी होती थी। वाराणसी में स्थित रहे विशाल भवन बाबा के एक
मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर प्रायः यहाँ आकर ही ईश्वरीय लगन में मगन होने का अभ्यास किया करते थे। बाबा कलकत्ते के व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने मित्र की कोठी पर जाकर वाराणसी में एकांत और शांत वातावरण में आकर ठहरते थे और खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे कि एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ईश्वरीय लगन में ऐसा आनंद आया कि उन्होंने सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प ले लिया। कार्य करते हुए बाबा कैसे शिक्षाएं देते थे? यदि कोई भंडारे पाकशाला में भोजन बना रहा हो तो बाबा वहां पर पहुंचकर समाचार लेते थे, उसे योग दृष्टि देते थे और वही ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते थे, बच्ची शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो उच्च भोजन से शक्ति भर जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव यह याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है, उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है, उसी के अर्थ ही निमित बनकर अभी हमें सब कार्य करना है। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती है तो बाबा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते थे। सभी प्रसन्नचित होकर निहारते रहते थे। उन्हें भी बाबा ज्ञान के कुछ रत्न देकर आते थे। बाबा कहते थे, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती हो ना तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। कोई कपड़े धो रहे होते हैं तो बाबा उनके पास साथ भी शामिल हो जाते थे और बाबा कहते थे, बच्चे आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो, अभी शिव बाबा को देखो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है, वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उसे भी याद रखना, बच्चे आत्मा को भी साथ साथ में धोते रहना। कितनों ने आत्मा को धोया अभी? आत्मा को कितनों ने धोया? कितनों ने कपड़ा धोया? हाथ ऊपर करो, कितनों ने कपड़ा धोया? बुक में आया कि कपड़ा धो रहे थे तो हो गया। हाँ, तो हम साथ साथ हैं, राइट? हम साथ साथ हैं ना। हाँ, हम भी 1937 से लेके हम साथ साथ अपनी बाबा के साथ की लाइफ जी रहे हैं। अभी ऐसा फील होता है कि हमने तो वो सब मिस किया? अभी फील होता है? ऐसा नहीं लगता है ना, है ना? बाबा की बुक पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हम भी वही हैं, उन्हीं के साथ हैं। यज्ञ सेवा का महात्म्य शिव। इस प्रकार बाबा सदा यही कहा करते थे कि बच्चे जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हो तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस सेवा का अवसर किसी वीरले भाग्यशाली को मिलता है और आप बहुत खुश नसीब हो, आप लकी स्टार हो। बाबा अपने साथ सैर करने ले जाते थे तो भी कहते थे, देखो इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा को केवल आपको ही पता है, संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते हैं। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा बहुत ही रमणीकता से इन सारे कर्तव्यों को निभाते रहे। तब बाबा ने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। ज्ञान, त्याग और योग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद शिव बाबा ने
जनता की आध्यात्मिक सेवार्थ जो आदेश दिया है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञवत्सों को काफी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा स्वराज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य तथा रामराज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोधादि की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्व आत्मा का राज्य स्थापन करें। बाबा ये भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शिष्टाचार और पवित्रता की स्थापना तो नहीं हुई है ना। बाबा ने कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन चुके हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने पर जो मारकाट शुरू हुई है वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं है, नहीं उससे उन्हें कोई डर था। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को पहले ही बताया हुआ था, बल्कि उन्होंने उन पूर्व कथन को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवा कर राजाओं, महाराजाओं और विशेष देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय उस बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। देश के बंटवारे के बाद की बात है, बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने के लिए आते थे, परंतु उनका उद्देश्य कोई तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करना चाहते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों का प्रायः एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि ये संस्था कार्य क्या कर रही है। उन्हें उसके उत्तर में कहा जाता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार है। सभी एक परमपिता को, परमात्मा को याद करते हैं तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हो, परंतु आप पाक नहीं बनते हो। केवल आपने देश का नाम पाकिस्तान बना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए ये हुक्म है कि अभी खुद पाक बनो। इन बातों को सुनकर वह लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग उच्च हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले पाक है। पाकिस्तान से भारत की ओर की योजना। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहां तहां यही कहना शुरू कर दिया कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, या वे लोग वहां से छोड़कर कहीं अलग-अलग हो गए हैं। बाद में जब उन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है,
तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दे, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर उसकी बहुत ही रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा ने, परमपिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा द्वारा तथा ध्यान अवस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा कि अब भारत में जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षाएं भी है। कराची से भारत के लिए विदाई। आखिर यज्ञवत्स इन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। अब सिंध के मुसलमान लोगों को यह पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किया। उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा, फिर भला आप क्यों जाते हो? आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में नापाक काम नहीं होंगे, हम आप लोगों की पूरी हिफाजत भी करेंगे। आप तो खुदाए खुदा के हैं, आपका तो हिंदू मुसलमान की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है। परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसीलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक जाने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी अथवा तथा गुलाम हुसैन जी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विधि मंत्री, और डॉक्टर चौपत राम गिडवानी आए। उन्होंने ज्ञान सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया था कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अभी हमें भारत में सेवा अर्थ जाना ही है। उन दिनों कोई 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। अब जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ, तो लोगों का एक हजुम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग, 400 ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता हो। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देने लगे। बहुत लोगों ने सामान उठा उठा कर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहां आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे, और उनके जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने दे रहे थे, बल्कि कई एक को तो लूट भी लिया जाता था। परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने का कार्य में सहयोग दिया था, और स्ट्रीमर में लाद कर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने के लिए अनुमति दी थी। यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ गए तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्पों की वर्षा की। यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर के पार जा रहे हैं। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। शक्ति दल कराची से विदा लेकर भारत की जनता की ज्ञान एवं योग की सेवा के लिए समुद्री जहाज में रवाना हो रहा है। बंदरगाह पर पाकिस्तान से बहुत से लोग
उनके प्रति स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए। क्या आप जानते हैं कि गाड़ी प्रभु पुत्रियों को कहाँ कर क्या आप जानते हैं कि ये गाड़ी प्रभु पुत्रियों को कहाँ ले जा रही है? रेल के ये डिब्बे ओखा बंदरगाह से रवाना हुए थे और अब ये आबू पहुंचने ही वाले थे। वही आबू जहां 5000 वर्ष पहले भी आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती के ने भारत को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य किया था और ब्रह्मवत्सो ने इसके लिए बहुत तपस्या की थी। वे बार बार कहते थे कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी दिन प्रतिदिन प्रतिदिन नियम अनुसार क्लासेस होती थी, ज्ञान मूल्य सुनाई जाती थी। यह सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी बहुत अच्छा लाभ उठाया भारत में प्रवेश। आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहां से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा तथा आदिनाथ की याद में एक देलवाड़ा मंदिर भी है, जो कि बहुत ही सुंदर और ज्ञान युक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। शिव बाबा की ज्ञान के अनुसार जब ज्ञान सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यही आबू से शुरू हुआ, वही आबू जिसकी महिमा कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने इस प्रकार की है, आबू की महिमा विशाल है, सचमुच यह आबू कमाल है। जहां ज्ञान की वहां मशाल है, जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतरण भूमि है, सालीग्राम दुलार भूमि है, यह सत धर्म प्रचार भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। कल्प कल्प ब्रह्मातन में आबू में शिव अवतार हुआ है, कल्प कल्प आबू से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। जिसने नहीं ज्ञान यह जाना, शिव को अपना बाप न माना, नहीं आत्मा को पहचाना, सृष्टि चक्र का मर्म न जाना, उसका जीवन हुआ अकारथ, यह अपने अनुभव को लेखा। जो कुछ सुना सुनाता हूँ, बस लिखता हूँ, बस जो कुछ देखा। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह ही फिर से सतयुगी स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग में पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हीं लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहकर इन अहिंसक पांडवों तथा शिव शक्तियों ने तपस्या की थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को ऊंच बना लिया था, संस्कारों को बदल दिया था, योग में स्थिति प्राप्त कर ली थी, तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान में उतर गई। अब गोपियों ने के पाठ का स्मरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बनकर भारत को पतित से पावन करने के लिए निकल पड़ी। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण होकर ये गा रहा था, विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग, पवित्र बन पवित्र बन, सोने की सी नगरी था मेरा ये वतन, जहां पर था एक राज्य और एक धर्म, देवी देवताओं में था प्यार का चलन, ना कोई दुख था न कोई गम, पवित्र बन पवित्र बन, नया था जमाना वह सुखी था संसार, यथा राजा तथा प्रजा और साहूकार, 16 कला संपूर्ण कहलाते थे वहां,
पूज्य और पवित्र था सारा ही जहां। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम। तो आज हम यही विराम करते हैं पेज नंबर 163, क्योंकि अभी नया चैप्टर शुरू होता है कि भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई। तो जैसे आज हमने पुस्तक में पढ़ा कि योग तपस्या से हमें अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है, और अव्यक्त स्थिति माना हल्का, प्रकाशमय और पवित्र स्वरूप। तो चलो कुछ समय के लिए हम इसका अभ्यास करते हैं। अपने शरीर की स्थिति को स्थिर करें। शरीर की स्थिरता मुझे मन की स्थिरता का निर्देश करती है। कुछ पल के लिए अपने भीतर जाकर अपने वर्तमान जीवन को देखें। वर्तमान पल को देखें। ये एक एक क्षण मैं अपने जीवन की किताब में अपने पवित्र क्षण के रूप में अंकित करती हूँ। कितना पवित्रता से मैंने ये सुना, संपूर्ण ईश्वरीय भाव विभोर होकर मैंने सुना। जैसे यज्ञवत्स धुलाई और सफाई करते थे, वैसे ही मैंने 1 घंटे तक इन कानों की पवित्रता से धुलाई की है। मुझे अपने कानों से 1-1 पवित्रता का शब्द मेरे भीतर प्रवेश होता हुआ नजर आता है। ये शब्द मुझ आत्मा को छूता हुआ नजर आता है। इन पवित्र शब्दों का स्पर्श मुझ आत्मा को मुलायम करता जा रहा है। बहुत सॉफ्ट, जैसे
जैसे परमात्मा ज्ञान की शक्ति मुझे मसाज कर रही है। मुझ आत्मा की जड़ता ढीली होती जा रही है। माई एंटायर टाइटनेट इज गोइंग अवे। मैं बहुत हल्की होती जा रही हूँ। अति हल्की और सुखदायी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अपने निज स्वरूप हल्की प्रकाश की ज्योति में परिवर्तन होती जा रही हूँ। जो मैं हल्की और शरीरी अवस्था हल्का सफेद स्वरूप का अनुभव। संपूर्ण विदेही
समाऊ मेरे बाबा